बंधन बैंक का शेयर से मेरे पास में 800 वो लिया है मैंने, 226 रुपये 82 पैसे एवरेज है उसका। ठीक है ठीक है और दूसरा शेयर से सर SCI ठीक है वो लिया मैंने 250 337 रुपये 50 पैसे। तो दोनों ही स्टॉक में आपने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है और इस वजह से कमोबेश एक ही जैसा नुकसान दोनों ही स्टॉक में हम देख पा रहे हैं। हमें बता सकते हैं नंदू जी कि कितना और समय दे सकते हैं आप? सर मैं 6 महीना और 6 महीने और दे सकते हैं। विनीत सर मैं आपके पास आना चाहूँगा, बंधन बैंक और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वैसे तो आप सभी एक्सपर्ट के रडार पे ये दोनों ही स्टॉक रहते हैं और दोनों स्टॉक का ने पिछले दिनों जो रैली दिखाई थी उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में आए, उसके बाद फिर एक मोमेंटम हमें गेन होता हुआ नजर आया, लेकिन फिलहाल जिन स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की है 224-26 के आसपास इन्होंने बंधन बैंक खरीदा है और 337 के भाव पे इन्होंने SCI यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिया हुआ है, तो बताइए क्या रणनीति बनाएं अगले 6 महीने के हिसाब से? नहीं, बंधन बैंक हम उम्मीद रखते हैं कि उनकी रिकवरी हो जाएगी, लेकिन उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो आप होल्ड करके रखें इसमें। और जब SCI का सवाल है, ये थोड़ा शेयर है ना, आपने बहुत एनिमेटेड लेवल्स पे खरीदा है आपने, तो अगर आपका भाव आ जाता है वापस तो आप डेफिनेटली उसमें आपका पोजिशन एग्जिट कर दीजिए। भी थोड़ा आपको थोड़ा ज्यादा लॉस हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आपका लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। अभी ये शेयर इतना पॉजिटिव यहाँ से इसका आउटलुक नहीं लगता है, बहुत चल गया है ये शेयर, तो अगर आपको 275 280 के लेवल्स आते हैं तो वहां से आप थोड़ा बहुत एग्जिट कर सकते हैं।